मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव सर पर है तो आप आए दिन या यूं कहूं कि हर रोज शिलान्यास के पत्थरों पर से पर्दा हटा रहे हैं, रोज अनगिनत घोषणाएं कर रहे हैं, मगर राजधानी में ही होम्योपैथ के छात्र छात्राएं अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, इसकी आपको तनिक खबर नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप प्रदेश के सभी बच्चों के मामा हैं। ये जो पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और गर्मी में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जरा इनकी ओर भी नजरें इनायत कर दीजिए। इनकी मांग है कि प्रतिवर्ष नवीन पदों की सृजित किया जाए, प्रतिवर्ष सीपीआई के आधार पर स्टाइपेंड में वृद्धि हो जाए। और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर ये छात्र आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जरा फुर्सत हो तो सुनिए कि ये छात्र क्या चाहते हैं। होम्योपैथ रो रहा है, कह रहे हैं अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भूख हड़ताल और बड़ा आंदोलन करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं आपके ये लाडले मामा के भांजे और भांजियां। लोग 29 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उसके बहुत पहले से हम लोग हर विभाग में जाकर कई बार चक्कर लगा चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हम लोग 29 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्यतः मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली जो मांगे हमारी वो ये है कि प्रदेश में डिस्पेंसरीज खोली जाए। प्रदेश में अगर मैं होम्योपैथी डिस्पेंसरीज की बात करूं तो 9 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, और सिर्फ यहाँ पर 200 डिस्पेंसरीज है होम्योपैथी की, जबकि होम्योपैथी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की अगर बात करूँ 27 से 28 हजार से। तो सबसे पहले हमारी मांग ये है कि आप यहाँ पर डिस्पेंसरीज को ओपन कीजिए, रोजगार क्रिएट कीजिए। रोजगार क्रिएट करने से, डिस्पेंसरीज ओपन करने से लोगों का भी फायदा होगा और जो यूटिलाइज भी हो पाएगी मेडिकल स्ट्रेंथ जो है। दूसरी हमारी मांग ये है कि हम लोगों के जो स्टाइपेंड होता है वो इंटर्न्स का हो या गृह चिकित्सकों का हो या पीजी स्टाइपेंड, पीजी स्कॉलर्स का हो, स्टाइपेंड में सीपीआई का प्रावधान जोड़ा जाए जो कि मॉडर्न मेडिसिन में जोड़ा गया है, जिस वजह से जब भी जो भी सीपीआई जारी होता है उसके अकॉर्डिंगली स्टाइपेंड अपने आप बढ़ जाता है। जो बोर्ड है, जो एमपीएमएसयू है, वो इतनी लेट लतीफी करता है जिसकी वजह से जो 5.5 साल का बीएचएमएस का कोर्स है वो 7 साल 7.5 साल में कंप्लीट होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों के 2 साल पूरे बर्बाद होते हैं। तो वो नियमितताएं आए शैक्षणिक गतिविधियों में, ये हमारी सबसे प्रमुख मांगों में से मांगी है। अगर मैं बात करूं, 9 शासकीय कॉलेजेस हैं पूरे आयुष विभाग के, जिसमें 7 आयुर्वेदिक हैं, 1 होम्योपैथी है प्रदेश में, 1 होम्योपैथी और 1 यूनानी महाविद्यालय है। पूरे 9 महाविद्यालय चिकित्सालय सब लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 4500 से ज्यादा आयुष छात्र जो है वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जैसे कि आज रात्रि से ही हम अनिश्चितकालीन, मतलब अभी तक हम जैसे कि दिन में बैठ रहे थे रात्रि में बैठ रहे थे, लेकिन आज से हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ रात्रि में भी बैठेंगे, नारेबाजी करेंगे और अपनी मांगों के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। और अगर रात्रि में भी सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो हम कल से भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और ये हड़ताल और धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।